day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You look so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with you. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओजोज लाइव। आज हम जा रहे हैं हर्षी टेंपल और हर्षी एडवेंचरस पार्क, जो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत सारे एडवेंचर से भरा हुआ है। तो चलिए बिना देरी करे हम चलते हैं हर्षी टेंपल पुणे, जो पुणे से 45 किलोमीटर दूरी पे है। आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, एटमॉस्फेयर बहुत ही कूल है और ऐसे एटमॉस्फेयर में सभी एडवेंचर्स करने में बहुत ही मजा आएगा। हर्षी टेंपल और हर्षी एडवेंचर्स पार्क, यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारे एडवेंचर्स, जिसमें है बोटिंग, जिपलाइन, रोप कोर्स, रॉकेट इजेक्टर, स्काई साइकिलिंग, बुल राइड और भी 24 राइड्स हैं यहाँ पे। बहुत ही मज़ा आने वाला है और इसके साथ साथ संत दर्शन भी है। आप यहाँ पे एक दिन के ट्रिप के लिए ज़रूर जा सकते हो, क्योंकि बहुत ही एंजॉयमेंट होती है छोटे बच्चों को। और आज तो बारिश भी है, एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है, तो चलिए मज़ा लेते हैं एडवेंचरस पार्क का। हर्षी एडवेंचरस पार्क, जहाँ पे जाते समय हमको मिलते हैं बहुत सारे मिसल पाव के शॉप्स। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी होती है मिसल पाव। आप यहाँ पर आने के बाद मिसल पाव खाने को ना भूलिए, क्योंकि पुणे में आकर मिसल पाव नहीं खाए ऐसा हो सकता है नहीं ना। तो यहाँ पर आने के बाद मिसल पाव को जरूर टेस्ट करिएगा, बहुत ही टेस्टी होती है, सुपर टेस्टी। तो चलिए एडवेंचर्स पार्क पहुँच चुके हैं हम, है ना एकदम खूबसूरत। अब आगे आगे देखते जाइएगा फ्रेंड्स, सभी एडवेंचर्स आपको बहुत ही पसंद आएंगे और बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में है, ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। इसके वजह से फुल्ली पैसा वसूल धमाल होने वाला है फ्रेंड्स। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। यहाँ पे सबसे फेवरेट मेरा एडवेंचर यही है, जो बहुत ही मज़ा आता है खेलने में, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होते हैं, उसे पार करके आपको आगे जाना पड़ता है। तो खेलेंगे फास्ट ट्रैक गेम, खेलने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। फर्स्ट ट्रैक को कोई भी खेल सकता है, बच्चे भी इसे बहुत ही आसानी से खेल पाते हैं। फर्स्ट ट्रैक इज अ डिस्क शूटिंग स्पीड गेम फिल्ड विथ नॉन स्टॉप थ्रिल्स एंड स्पोर्टी एक्शंस। इसे खेलने में बहुत ही मजा आता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे थ्रिल्स होते हैं और एक्शंस भी होते हैं। हमें क्या करना है, आगे वाले के होल में हमारे डिस्क को डाल देना है और हमारी डिस्क उसमें ना जाए, उसलिए आगे वाला भी ट्राई करेगा। उसकी वजह से बहुत ही एक्शंस है और थ्रिल्स भी है, इसे फुल्ली एंजॉयमेंट से हम खेल सकते हैं। देखिए, बड़े भी खेल सकते हैं। अब देखिए, बच्चे कितना क्यूरियोसिटी से खेलते हैं, उनकी क्यूरियोसिटी बहुत ही ऊपर के लेवल पे होती है, उन्हें बहुत ही मज़ा आता है कुछ नया खेलने में, और एक बार मालूम पड़े ना तो वो परफेक्टली खेल पाते हैं। आप देख सकते हैं आगे आगे, एक बार मालूम हो जाने के बाद ये कितना अच्छे से खेल पाती है। अब देखिए, Head over heels, I'm blinded by what I feel.
यस, खेल गई ना अच्छे से। तो चलिए अब खेलेंगे दूसरा गेम, उसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से हम खेलेंगे। Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go. My summer love, be waiting for you, my love. My summer love, be waiting for you, my love. My love is forever yours. Forever yours, my love is forever yours. First rock खेलने के बाद आए हम रोप कोर्स खेलने के लिए। रोप कोर्स एक ऐसा एडवेंचर है जिसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं। आप देख सकते हैं हमें एक एक लेयर पार करके आगे जाना है। आगे आगे की लेयर हमारे लिए टफ होती है, लेकिन यहाँ पे सेफ्टी का बहुत ही ख्याल रखा जाता है। हम ना गिरे और हमें कोई भी चोट ना पहुंचे, इसका एकदम अच्छे से ख्याल रखा जाता है। अब देखिए हमारी रिया कितने अच्छे से आगे आगे जाती है और हर एक लेयर आसानी से पार करती है। आप देखेंगे आगे एकदम फास्ट आगे जाती है। लेकिन जो बच्चे डरते हैं ना, मतलब जिन्हें ऊंचाई से डर लगता है, उन्हें यहाँ पे खेलने के लिए ना भेजिए। अगर उन्हें खेलना है, वो खेलना चाहते हैं, तो आप भी उनके साथ जा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा चेन अटक गया था, उसकी वजह से आगे नहीं जा पा रही थी। देखिए अब कितना आसानी से आगे जा पा रही है, बिना डरे बिना घबरे अच्छे से आगे जा रही है। देखिए एक बार मालूम हो गया वो चेन आगे स्लिप करना है और पैर रखना है, तो देखिए कितना फास्ट आगे जा रही है। उसके पापा भी पीछे से जा रहे हैं, रिया और रिया के पापा, मतलब मेरे जीजा जी। देखेंगे कौन फास्ट करता है पूरे लेयर्स पार। सेकेंड लेयर में आ गई है रिया, यहाँ से भी बहुत आसानी से जा रही है। वाओ, अच्छे से खेल रही है ना। देखिए थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ लेयर, सेवन लेयर्स है, सभी को पार करेंगी हमारी रिया। थर्ड लेयर पे आ गई है, कितनी छोटी है लेकिन कितना अच्छे से खेल रही है ना। अगर आप भी यहाँ पे आना चाहते हो तो जरूर आ सकते हैं। एक दिन के एंजॉयमेंट के लिए बहुत ही अच्छा प्लेस है। पुणे से 45 किलोमीटर दूरी पे है और फुल्ली पैसा वसूल ट्रिप है फ्रेंड्स। आप यहाँ पे जरूर एक बार आइएगा। रिया आगे आगे और रिया के पापा पीछे पीछे। फोर्थ लेयर पे आई है, अच्छे से पार कर रही है, एक एक लेयर परफेक्टली। वाओ सुपर फैंटास्टिक, वाओ रिया यू आर प्लेइंग सो नाइसली। कितना आगे गई है वो भी बिना डरे। फोर्थ लेयर परफेक्टली फिनिश कर दिया है। फिफ्थ लेयर पे आई है, ये भी हाफ फिनिश हो गया है, इसे भी अच्छे से पार कर रही है और एकदम सॉफ्टली डैशिंग करेजियस पर्सनालिटी। सिक्स्थ लेयर पे आई है, वाओ सुपर्ब डूइंग ग्रेट जॉब, हैट्स ऑफ टू रिया, कॉन्ग्रेट्स रिया, यू आर कमिंग नियरर टू सेवंथ लेयर। सिक्स्थ लेयर कंप्लीट हो रही है और यह है स्काई साइक्लिंग, इसे बहुत ही आराम से खेलना पड़ता है फ्रेंड्स, परफेक्टली खेलना पड़ता है। ये क्या रोड पे साइकिल खेले जैसा नहीं है। और ये देखिए सेवन प्लेयर पे आई है हमारी रिया, सिक्स प्लेयर आसानी से कंप्लीट किया है और ये है सेवन प्लेयर। ये देखिए ये बहुत ही हिलता है, उसके वजह से पैर देना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर भी इसे
कितना आसानी से पार कर रही है। सेवंथ लेयर कंप्लीट होने के बाद फिनिश हमारी रिया जीत गई, मतलब उसने पूरे के पूरे लेयर कंप्लीट कर दिए हैं, वो भी परफेक्टली। तो ये था रोप कोर्स जो रिया ने और रिया के पापा ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है, परफेक्टली, गुड जॉब। सभी एडवेंचर्स इंटरेस्टिंग है और पैसा वसूल है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में पूरे एडवेंचर्स यहाँ पे आपको खेलने मिलेंगे। तो ये है संत दर्शन, यहाँ पे सभी संतों का दर्शन हमें हो जाता है। और यहाँ पे छोटा भीम, मोटू पतलू जैसे बहुत सारे बच्चों के फेवरेट एक्टर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, है ना, एकदम इंटरेस्टिंग प्लेस। और नीचे उतरने के बाद एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। नेचर के खूबसूरती को हम ना देखें ऐसा कभी हो सकता है? इतने सारे एडवेंचर्स करके आने के बाद नेचर की खूबसूरती देखकर बहुत ही शांति मिलती है। पानी का जो आवाज आता है उससे हमारे कान को बहुत ही अच्छा फील होता है। तो नेचर का एडवेंचर भी पूरा करेंगे हम, इसे चढ़ते जाएंगे, इसे भी कंप्लीट करने में बहुत मजा आने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं हमारे पूरे एडवेंचर्स। कुछ एडवेंचर्स हमने नहीं किए क्योंकि बारिश बहुत ही हो रही थी। तो फ्रेंड्स इंटरेस्टिंग एडवेंचर से भरी हुई आज की वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। और मेरे चैनल ओजूज लाइफ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। In love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone, my summer love.